हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज सीएचओ की वैकेंसी के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 जून 2025 को सीएचओ का एग्ज़ाम होगा ऐसा कैलेंडर निकाला है। तो सीएचओ एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होगा, किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 2025 को, यानी कि मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और मैं पूरा कोर्स खुद कराऊँगा। ठीक है, मैं हूं डॉक्टर योगेश। जो मुझे स्टूडेंट जानते हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, जो नहीं जानते वो उनको ये बता देता हूं कि पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में मैं क्लासेस ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट करवाए हैं। तो इसलिए हम बात करेंगे आज आपसे सिलेबस के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की संविदा भर्ती के बारे में बात की है कि 6 जून को ये लोग एग्ज़ाम करवाएंगे, 6 जून 2025 को। और इसका स्कीम क्या होगा कि पहली बात तो ऑफलाइन पेपर होगा, कोई ऑनलाइन पेपर इसके अंदर नहीं होने वाला। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट का, जिसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी है, जिसमें ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी, आपको कोई 4 में से एक सही होगा वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रश्न में टोटल 100 होंगे, प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आएंगे। उन 100 प्रश्नों में से सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। सपोज 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, सही अगर आपका जाता है तो, और अगर गलत जाता है तो -1 आपका एक मार्क्स कटेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। ठीक है, और उसके बाद आगे अपन चलते हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा, इस सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे और हम कितने दिनों में इन टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे और किस तरह से अपन कवर कर पाएंगे और ये सिलेबस ही क्यों डाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले तो एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब मेडिकल का, नर्सिंग का एक जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक जनरल अवेयरनेस ऑफ मेडिकल साइंस की क्या जनरल अवेयरनेस है वो इसके बारे में क्वेश्चंस इसमें से होंगे। दूसरा फिर बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स में क्या क्या आ जाता है। ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स में एनाटोमी आ जाती है और फिजियोलॉजी आ जाती है। ठीक है, बेसिक लेवल की, ऐसा नहीं कि बहुत हाईफाई लेवल की आएगी, बेसिक लेवल की आएगी। जैसे कि थोड़े टाइम पहले पिछली बार एक सवाल पूछा गया था सीएचओ में कि इनमें से कौन एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझते हो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल मतलब होता है खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेटा हुआ। तो कौन सी इनमें से एक हॉरिजॉन्टल बोन है, हड्डी है, ये पूछा गया था। बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन में दे रखा था इन्होंने फीमर, ह्यूमरस, टीबिया और क्लेविकल। अब जब हम खड़े होते हैं तो ह्यूमरस हमारे हाथ की हड्डी है, सीधी खड़ी होती है ऐसे, ठीक है। फीमर पाँव की हड्डी है, सीधी खड़ी रहती है। टीबिया भी पाँव की हड्डी है, ऐसे सीधी खड़ी रहती है। और क्लेविकल यहाँ होती है, ये यूँ पड़ी होती है ऐसे। तो ये सवाल पूछा था, इसका आंसर था क्लेविकल। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा हड्डियों का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई कौन सी बोन होती है, कहाँ कहाँ बॉडी में होती है, शरीर में कहाँ कहाँ होती है, इतना सा हमारे को जानकारी चाहिए थी, सवाल हमारा सही हो जाता। ठीक है, इसको भी कई लोग गलत करके आए। तो ये बेसिक्स हमको चाहिए। फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। यानी कि आपने अपने कोर्स के दौरान, चाहे आपने नर्सिंग की हो, चाहे आपने कोई भी कोर्स किया हो, उसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे कम्युनिटी हेल्थ। उस कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, जिसे कि हम पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं, उस पब्लिक हेल्थ का पार्ट इसमें ज़्यादा आता है। कारण क्या है, वैकेंसी का नाम है सी एच ओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO। तो इसका मतलब ये कम्युनिटी की हेल्थ के बारे में इसको पता होना चाहिए कि पब्लिक की हेल्थ क्या है, इस कारण से ये डाला। तो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का कंसेप्ट क्या है, यानी कि पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, हेल्थ के एलिमेंट क्या हैं, कौन कौन से उसके प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे को पता होना चाहिए। अब सवाल सिंपल सा पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा हेल्थ केयर, हेल्थ का एलिमेंट नहीं है, इनमें से कौन सा हेल्थ का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो हमको पता होनी चाहिए 4। उसके बाद में प्लानिंग कैसे करते हैं हेल्थ केयर लेवल पे, वेरियस लेवल पे, मतलब कि PSC लेवल, CSC लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल, ये सारा इसके अंदर आता है। कौन कौन सी कमेटी इसके अंदर आ गई, भोर कमेटी, करतार कमेटी, चड्ढा कमेटी, ये सब इसमें अपने को करना है। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल हेल्थ, सैनिटेशन।
अब एनवायरमेंटल हेल्थ की बात आ गई तो मच्छर मक्खियों की बात आ गई, मस्कीटो को कैसे कंट्रोल करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेंगे कि मस्कीटो के लिए अब आजकल जैसे मस्कीटो बहुत फैले है, डेंगू का सीजन चला हुआ है, तो कैसे करते हैं, कौन सा वेक्टर कंट्रोल यूज करते हैं, कैसी बेड नेट्स लगाते हैं, कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, MLO में कितना डीजल डलता है, कितना केरोसिन डलता है, कितना बर्न ऑयल डलता है, टेमीफोस क्या है, एबेट क्या है, जो कि सिंपल आप लोगों को फील्ड में भी काम आएगा और उसी पे से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी में अप्रोच कितनी है, स्टडी कौन सी है, ये सब आएगा, केस कंट्रोल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल है। देन डेमोग्राफी, डेमोग्राफी जब बात आ जाती है तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की बात आती है कि मनुष्य की जनसंख्या की स्टडी करना, तो इसमें बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, है ना, उसके बाद में गैप क्या है, फिर फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी, मेटरनल मोर्टिलिटी, इनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी हमको फिगर्स है, लेटेस्ट फिगर पूछे जा सकते हैं कि भाई डेमोग्राफी में अभी इंडिया की बर्थ रेट अभी क्या चल रही है, इंडिया की डेथ रेट अभी क्या चल रही है, इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या चल रही है, ऐसा हमारे से सवाल पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर सर्विलेंस क्या हो सकती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा को कैसे एनालाइज करें, अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो काम रहेगा डाटा कलेक्शन का काम भी रह सकता है, तो डाटा को कैसे करना है, तो उसके लिए डाटा में जैसे कि हमारे पास में डाटा के अंदर कौन कौन से डायग्राम होते हैं, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, तो थोड़ा डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए। सर्विलेंस में कितने टाइप के सर्विलेंस होते हैं, एक्टिव सर्विलेंस होता है, पैसिव सर्विलेंस होता है, वो हमारे को इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गाँव में PSC CSC लेवल पर जा करके देखोगे तो आप बायोमेडिकल वेस्ट कैसे मैनेज करेगा, अब लेमैन है ANM को कैसे सिखाओगे कि वैक्सीन की वायल तोड़ के कहाँ डालनी है, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट भी, पीले डब्बे में क्या डालना है, लाल डब्बे में क्या डालना है, नीले डब्बे में क्या डालना है, और इन्फेक्शन कंट्रोल की क्या प्रैक्टिस है, इसके बारे में हमारे को पढ़ना है। इसमें से जो भी MCQ बनते हैं वो हम आपको करवाएंगे हमारे कोर्स के अंदर, और पूरा इसके अंदर हम आपको सिलेबस पूरा कवर कराएंगे इन थ्योरी। देन फिर देखो एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न मतलब नवजात शिशु की जन्म पे क्या कोर है, क्या हमको केयर करनी है, तो उसके अंदर हमारे को एक 5C प्रैक्टिस होती है ना, मैं आपको पढ़ने को मिलेगा 5C प्रैक्टिस क्या है, अभी उसको 7C करने का पार्ट प्लान चल रहा है, तो उसमें कोर्ड कटिंग है कैसे होगी, क्लीन सर्विस यूज करनी है, या फिर जो कि न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर के बारे में भी बताना है हमारे को, उसी में एक हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मुस्कान भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर कॉमन नियोनेटल यानी नवजात की सामान्य बीमारियाँ, चाइल्ड हेल्थ की सामान्य समस्याएँ क्या हैं, छोटी छोटी समस्याएं, डायरिया हो गया, लो बर्थ वेट बेबी हो गया, या फिर हमारे प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, प्री मेच्योरिटी हो गई, जो कम्युनिटी हेल्थ के अंदर आती है, ये हमारे को इनका मैनेजमेंट देखना है। उसके बाद में IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI में कौन कौन सी बीमारी आ रही है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी डिजीज IMNCI के अंदर नहीं आती, सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है, ये अपने को देखना है। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, तो RBSK का जो पार्ट है कि RBSK के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है, RBSK के अंदर 4D होता है, डेवलपमेंटल डिले के बारे में बात कर सकते हैं, डेफिशिएंसी के बारे में बात कर सकते हैं, बच्चे में क्या डेवलपमेंट डिले चल रहा है, क्या डिसऑर्डर्स हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में बात करनी है। फिर UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को किस वीक पर, किस उम्र में कौन सा टीका लग रहा है, कौन सी जगह पर लग रहा है, ये जरूर पूछा जाएगा सवाल इसमें से। तो ये हमारे को पूरा शेड्यूल हमको याद करना है, अपडेटेड शेड्यूल याद करना है, अपडेटेड। और जब हम UIP की बात करेंगे तो कोल्ड चेन अपने आप आ जाएगी, हमारे को कोल्ड चेन पढ़नी पड़ेगी। फिर फैमिली प्लानिंग एडोलसेंट हेल्थ पे आ जाओ तो गायनेकोलॉजिकल छोटी छोटी कंडीशंस, फैमिली प्लानिंग के मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड के बारे में हम बात कर लेंगे सारा। ठीक है, कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्नोलॉजी है, बर्थ स्पेसिंग का क्या तरीका है, है ना, कौन सी बेस्ट है, कौन सी STD में फ़ायदेमंद है, कौन सी STD में फ़ायदेमंद नहीं है, किस तरीके के क्या साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, वो हमारे को सारा इसमें देखना होगा। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, मेडिकल अबॉर्शन के बारे में, MTP एक्ट के बारे में, भाई कितने सप्ताह तक MTP कर सकते हैं, कितने सप्ताह तक MTP नहीं कर सकते, किस एज के बाद MTP नहीं किया जा सकता, ये सब हमारे को इसके अंदर देखना होगा। फिर काउंसलिंग, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ की काउंसलिंग, एडोलेसेंट के अंदर काउंसलिंग, इसमें एक बड़ा सवाल गैदर अप्रोच, कई बार पूछा जाता है कि गैदर अप्रोच क्या होती है, गैदर अप्रोच जो है वो रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के अंदर ली जाती है एडोलेसेंट के अंदर, तो इसके अंदर फिर वापस राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बात आ जाएगी घूम फिर करके,
कोई किशोर है मतलब एडोलसेंट है, तो एडोलसेंट की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी, टीनेज मतलब किशोर, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर क्या मैनेजमेंट है टीनेज प्रेगनेंसी का, वो भी हमारे को यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला आ जाता है मैटरनल हेल्थ, तो मैटरनल हेल्थ आ गया तो वापस हमारे पास में RMNCH+A प्रोग्राम आ गया, जिसको कि आजकल RMNCAH+N कहने लग गए हैं, जिसमें N मतलब न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन पार्ट भी इसमें ऐड कर दिया रमंचा में, रमंचा बोलते हैं इसको शॉर्ट में, RMNCH है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैटरनल पार्ट, नियोनेटल, चाइल्ड, एडोलेसेंट और न्यूट्रिशन, ये वाला पार्ट भी हमको देखना है। तो अब जैसे सवाल इसमें पूछता है कि रिप्रोडक्टिव एज, तो ANC क्या है, एंटरनेटल केयर क्या है, मिनिमम कितनी विजिट ANC में ज़रूरी है, मैक्सिमम कितनी विजिट ANC में होती है, और WHO कहता है कि मिनिमम 8 विजिट होनी चाहिए, जबकि सरकार कहती है राजस्थान की कि मिनिमम 4 ही करा दो हमारे तो भी बहुत है, क्योंकि इंडिया अमेरिका नहीं है, है ना, WHO अमेरिका के हिसाब से चलता होता कि ANC में 8 विजिट कराओ, इंडिया में कहते हैं हमारे तो सब 4 ही करा दो। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, ANC की विजिट कब कब करानी है, ANC का रजिस्ट्रेशन की बात, टिटनेस के टीके की बात, ANC में टीकाकरण होता है उसकी बात, वो सारा इसके अंदर आएगा। फिर इंट्रानेटल केयर आ जाती है कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हमारे को केयर करनी है, फिर पोस्टपार्टम केयर भी आ जाएगी, इसके बाद हमारे को बीच में कब केस को रेफ़र करना है, आइडेंटिफाई करना केस को, मैनेज करना केस को, रेफ़र करना, FRU क्या होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट CSC को बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे को मैटरनल हेल्थ के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर MMR भी आ जाएगा, तो ये हमको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा कम्युनिकेबल डिजीज का पोर्शन, जिसके अंदर हमारे को कुछ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करनी है, यानी कि जिसके अंदर TB आ जाएगा, HIV हमारे पास आ जाएगा, फिर उसके बाद में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जो छोटे छोटे पॉक्स डिजीज हैं, बच्चों को परेशान करने वाली बीमारियाँ, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, जो कि अभी हमारे देश में चल रहा था कोविड, वो भी आ जाएगा, है ना। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम हैं, जैसे लेप्रोसी हो गया, लेप्रोसी कॉमन प्रॉब्लम्स में आ जाता है, तो ये सारी जो स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये डिजीज को हम, इनका एजेंट क्या है, कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, कि हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसके बाद इनको कैसे मैनेज करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या प्रिवेंशन देना है, वो सारा एपिडेमियोलॉजी इसके अंदर आएगा। फिर कम्युनिकेबल डिजीज में एक आ जाता है वेक्टर बोन डिजीज में कौन कौन सी है, मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, काला आजार, है ना, और भी दुनिया भर की हैं, पर ये मेन जो 5-6 बीमारियां हैं, ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फाइलेरिया, है ना, तो इसमें से किस बीमारी के अंदर नाइट में ब्लड का सैंपल लेते हैं, इनमें से किस बीमारी में नाइट में ही ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसका आंसर है फाइलेरिया। फाइलेरिया में, फाइलेरिया का जो कीटाणु है बॉडी में रात में ही ब्लड में आ दिखता है, तो इसलिए इसमें सैंपल लेंगे रात को 10 बजे बाद, 12 बजे बाद, ठीक है। तो नाइट ब्लड सर्वे केवल फाइलेरिया में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज, जिनकी मैंने पहले बताया है, सब इन्फेक्शियस डिजीज आ जाएंगी। फिर जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज जो जानवरों से फैलने वाली बीमारियाँ, तो जैसे सुअर से कोई बीमारी फैल रही है, कोई बीमारी डॉग से फैल रही है, वो सारी हमारी जूनोटिक डिजीज आएगी, जैसे रेबीज हो गया, है ना। रेबीज किससे फैलती है, रेबीज डॉग बाइट से फैलता है, तो रेबीज जो है वो जूनोटिक डिजीज के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम जूनोटिक डिजीजेज भी पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अंदर। फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास अपना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी बीमारियाँ जो छूने से नहीं फैलती, किसी माध्यम से नहीं फैलती, अपने आप शरीर में होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हाइपरटेंशन, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, ओबेसिटी हो गई, तो ये सारी बीमारियाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं, ये हमारे को करनी है। फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज किसे बोलते हैं, कि जो हम काम धंधा कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब की वजह से कोई बीमारी हो गई, मान लो कोई माइंड में काम कर रहा है, तो माइंस की वजह से उसके लंग्स ख़राब हो गए, क्योंकि माइंस में जो धुआं निकलता था, जो डस्ट निकलती थी, वो उसने इनहेल किया तो सिलिकोसिस हो गया। मान लो कोई शुगर केन मिल में काम कर रहा है, गन्ने से शक्कर बनाने वाली, तो गन्ने का जो फाइबर है वो लंग्स में गया तो बेगोसिस हो गया, तो समझे, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल डिजीज का पार्ट है, इसमें लेड पॉइजनिंग भी आती है और दुनिया भर की बीमारियाँ इसमें आती है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज पे आ जाओ, मेंटल हेल्थ क्या है, और सब्सटेंस अब्यूज यानी कि अल्कोहल, टोबैको या अफीम या गांजा, ये जो चीज़ें हैं इनका अब्यूज, इनका नुकसान क्या है, इससे छोटा मोटा इसके ऊपर भी अपने को करना पड़ेगा। और एल्डरली केयर यानी कि जेरियाट्रिक केयर ये भी हमारे को करना पड़ेगा, कि जेरियाट्रिक केयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं, है ना। देन इसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन पार्ट,
तो न्यूट्रिशन पार्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा कि न्यूट्रिशन का एक तो इंडिके इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशनल का असेसमेंट कैसे करें, किसी के शरीर में कौन सा न्यूट्रिशन कम है कौन सा न्यूट्रिशन ज़्यादा है उसका कैसे असेसमेंट करें, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में क्या न्यूट्रिशन देना है, कितना ज़्यादा देना है, प्रेगनेंसी में से आयरन की डिमांड बढ़ गई, फोलिक एसिड की डिमांड बढ़ गई, लैक्टेशन में भी आयरन फोलिक एसिड अपन दे रहे हैं, फोलिक एसिड दे रहे हैं, ठीक है ना, डाइट क्या दे रहे हैं वो हमारे को देना है क्योंकि CHO का काम इससे जुड़ा हुआ रहता है ना, इस कारण से। देन बच्चे को क्या, इन्फेंट को, चाइल्ड को, एडोलोसेंट को क्या क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर होते हैं, आयरन की कमी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, है ना, तो ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी हमारे को करने हैं इसके अंदर। और फिर खाने की वजह से, फूड की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, फूड बोन डिजीजेज या फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड, यानी कि फूड एडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट कर दी तो किस चीज़ की मिलावट कर दी, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी हम करेंगे डिटेल में, एक एक दिन एक एक चैप्टर आराम से करेंगे अपन, खूब टाइम है हमारे पास में, अभी 5-6 महीने का हम आपके साथ बने रहेंगे और पूरा कोर्स आपको अच्छे से कराएंगे। फिर उसके बाद में स्किल बेस कि पब्लिक हेल्थ स्किल क्या है, लेबोरेटरी स्किल, जनरल स्किल्स क्या है, जनरल स्किल में तो कैनूला लगाना, टेम्परेचर, BP मॉनिटरिंग करना, तो BP मॉनिटरिंग में BP मॉनिटर करते समय कान में जो आवाज़ सुनाई देती है उस आवाज़ को क्या कहते हैं, कोटा कॉफ साउंड कहते हैं, पूछ लिया भैया, एक सवाल हो गया सोलो आपका, ठीक है। स्किल ऑफ फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन इन इमरजेंसी में कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं, अस्थमा का अटैक आ गया, मिर्गी का अटैक आ गया, कौन सी दवा देनी है, क्या ध्यान रखना है, छोटी मोटी बातें क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि मिर्गी का पेशेंट आ गया क्या मैनेज करोगे, सबसे पहले ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन हमारे को हर जगह देखना होता है, ठीक है। मिर्गी के पेशेंट में ध्यान रखना होता है, जीभ जो है दांतों में दब जाती है तो उस समय उसका माउथ हमारे को देखना पड़ता है, उसमें कुछ फंसा दो आप ऐसी चीज़ की भाई जीभ जो है कटे ना, करवट में लिटा के रखना पड़ता है कि उसके एस्पिरेशन ना हो जाए, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारे को याद भी रखनी है, एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। धीरे धीरे CHO के एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, 2018 का जो पेपर आया था वो लल्लू पेपर आया था, EG पेपर आया था, लेकिन पिछले 5-6 साल में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा था, तो हो सकता है वो आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आने लग जाएं। देन मैटरनल हेल्थ की क्या स्किल हो जाएंगे, जिसमें डिलीवरी करवाना, IUD इम्प्लांट करना, ये सब आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव स्किल्स, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स, ये हमारे को स्किल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज, वापस वही जनरल मेडिसिन की बात हो गई, तो जनरल मेडिसिन में कॉमन कंडीशन GIT सिस्टम की कौन कौन सी है, सब गैस्ट्राइटिस हो गया, एसिडिटी हो गई, पेन एब्डोमन हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, जनरल कंडीशन हो गई मेडिकल इमरजेंसी में। कॉमन कंडीशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो सकता है, अस्थमा हो गया, TB हो गया, निमोनिया हो गया, है ना, ये सारे कॉमन कंडीशंस में आ जाएंगे। हार्ट, यूरिनरी सिस्टम, ब्लड डिसऑर्डर में भी आ जाएंगे, वे MI का अटैक में क्या करोगे, क्या मेडिसिन दोगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद में कॉमन कंडीशन आई, ईयर, नोज, थ्रोट की कॉमन कंडीशंस क्या हैं, हम इस बीमारियों को पढ़ेंगे। फर्स्ट एड कैसे करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टेप क्या है, इनमें से कौन सी डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टेप नहीं है, इनमें से कौन सी स्टेप डिजास्टर मैनेजमेंट से डिजास्टर होने से पहले की जाती है, इनमें से कौन सी स्टेप डिजास्टर होने के बाद की जाती है, ट्रायज में कौन सा कलर कोडिंग होती है, ये सब हमारे को आना चाहिए, है ना, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डिजास्टर में से। फिर उसके बाद में आ जाता है एसेंशियल ड्रग, तो एसेंशियल ड्रग कौन सी होती हैं वो अपन कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। जनरल सर्जरी ट्रॉमा के केसेज, कॉमन सर्जिकल कंडीशंस, कॉमन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती हैं उसके बारे में इसमें आ सकता है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ सकते हैं, है ना, PDA आ सकता है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, तो कॉमन चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। और कॉमन कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे करें, जैसे ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए पेपिस्मियर किया जाता है, तो बेसिक कोलपोस्कोपी की जाती है, तो बेसिक चीज़ें हमारे को इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे BCC मतलब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हो जाएगा, अदर सॉफ्ट स्किल क्या है, वर्क मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत स्किल्स हमारे को देखना है, लीडरशिप के बारे में, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो चल रहा है उसके बारे में हमारे को जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज, कंप्यूटिंग की नॉलेज, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स की नॉलेज, MRD क्या होता है, MRD के काम क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट है। अभी काम की बात यह है कि ये सारा सिलेबस हम आपको लक्ष्य पर कराएंगे,
26 नवंबर से कराएंगे, डेली एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, लगभग 50-60 टॉपिक हैं ये, रोज़ एक टॉपिक भी करेंगे तो 2 महीने में हमारा, या मान लो कोई बड़ा टॉपिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में हमारा पूरा कोर्स हो जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ दिनों तक हमारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री भी आएंगी और हमारी पूरा कोर्स जो है लक्ष्य के चैनल पर भी अवेलेबल होगा, ऑनलाइन भी आएगा कोर्स और ऑफलाइन क्लासेज के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग CHO की तैयारी में लगे रहिए क्योंकि प्राइवेट नौकरी में कोई लाइफ नहीं है नर्सिंग स्टाफ की, ये बात आप भी जानते हैं। और भी वैकेंसीज आई हुई हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी आई हुई है, एक दो रेगुलर वैकेंसी भी आने वाली है, पब्लिक हेल्थ नर्स की भी वैकेंसी है। तो आप इन वैकेंसीज पर फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कोर्स पकड़िए, कोर्स कीजिए। एक बार की पढ़ाई पूरे जीवन भर काम आती है। एक बार आपने कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो एक बार कोर्स अच्छे से कर लिया तो आपके आगे से आगे आएगा और मैं आपका पूरा कोर्स करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैंने जिम्मेदारी ले ली तो समझ लो बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।